देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। जिले के मकसूदनगढ़ क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन पहुंची। गुना रोड स्थित मोहन बाबू साहू के परिवार से मिलने पहुंची। यहां जसोदाबेन ने पूरे साहू परिवार से मुलाकात की। बताया जाता है कि साहू परिवार की पुत्री जिसकी उदयपुर में शादी हुई है वह जसोदाबेन के काफ़ी करीबी बताई जाती है। इसी कारण जसोदाबेन राजगढ़ के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधी मकसूदनगढ़ पहुंची और साहू परिवार से मुलाकात की। जसोदाबेन की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। साहू परिवार से लगभग एक घंटे की मुलाकात के बाद जसोदाबेन वापस राजगढ़ के लिए रवाना हो गई। इसके बाद वो ट्रेन के जरिए इलाहाबाद वापस जाएंगी। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने किया नर्मदा बेसिन क्षेत्र के लसोड़िया परिहार में पौधारोपण। नर्मदा बेसिन क्षेत्र के सीहोर जिले के निर्मल ग्राम पंचायत लसोड़िया परिहार में 2 जुलाई को नर्मदा देवी नमामि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर नर्मदा नदी के दोनों पाटों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय चांचौड़ा बीनागंज के प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर रमेश चंद्र घावरी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के निर्देशन में सीहोर जिले के निर्मल ग्राम लसोड़िया परिहार में पौधारोपण किया, जिसमें सरपंच कस्तूरी बाई, सचिव महेश परमार, रोजगार सहायक संतोषी यादव के योजनाबद्ध तरीके से लगभग 1000 पौधे रोपे गए। जिले के चाचौड़ा कस्बे में लगातार 14 घंटों से हो रही है भारी बारिश। बारिश से लगभग सभी चाचौड़ा वासियों और आसपास के सभी किसानों को फायदा हुआ है, लेकिन इस बारिश में जैसे फायदा हुआ है ठीक उसी प्रकार इस बारिश के कारण कुछ लोगों को हानि भी पहुंची है। जैसे शादियों में रुकावट आई है और इसके साथ ही चाचौड़ा वासी शाकिर ने बताया कि यदि ये बारिश थोड़ी और जोर से हो जाती तो ज़रूर हमारे घरों में पानी घुस जाता, क्योंकि सड़क पर परत के ऊपर परत चढ़ाने से सड़क पूरी दहरी तक आ गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि आरओ के लिए जो पाइपलाइन डाली गई थी उसका भी सभी ने विरोध किया और बताया कि लगभग एक माह से ये सड़क खोदी गई है लेकिन अभी तक इसमें पाइपलाइन नहीं डाली गई है। समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब आरटीओ ऑफिस के पास अचानक एक पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि यहां एक 407 खड़ी थी जिसके कारण पेड़ उस पर लटक गया एवं एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तुरंत ही इस हादसे की सूचना नगरपालिका को दी गई, जिसके बाद नगरपालिका के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को काटा। गुना से हमारे सहयोगी शंकी रहवर की रिपोर्ट। हाँ बताएं, ये घटना कब हुई और कैसे हुई बताएं। पहले हुई है 10 मिनट पहले ही। क्या हुआ? काम कर रहे थे ऊपर हम 5 जने, गाड़ियाँ लगा के अपने अभी अचानक पेड़ गिरा, उसके बाद दीवार गिर गई। किस जगह पे? ये मेगा वाले के दरी बगल में, डांगा स्टेट राइट। इसमें किसी को कुछ नुकसान तो नहीं? नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी गिरा कोई, गाड़ियाँ टूट गई 4-5 गाड़ी। किसान संदेश यात्रा के 5वें दिवस गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा, सरकार हमको सब कुछ दे रही है, हम समाज को कुछ भी दें, पेड़ लगाएं, पानी दें, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। हमारी भाजपा की सरकार के रहते किसानों को जो लाभ पहुंचा है, इससे पहले की सरकारों ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। उन्होंने तो सिर्फ अपनी गोदामों की चिंता की और किसानों को वोटों के लिए इस्तेमाल किया।
भाजपा सरकार ने वर्ष 2014 में 67 करोड़, वर्ष 2015 में 70 करोड़ और 16-17 में 170 करोड़ के फसल बीमा किसानों को बांटा। क्या कांग्रेस ने इतना बड़ा बीमा बांटा? नहीं, सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम ही किया। आप बेफिक्र रहें, केंद्र में मोदी सरकार एवं राज्य में शिवराज सिंह की सरकार सिर्फ किसानों के हित में काम कर रही है एवं उनका एक ही लक्ष्य है कि खेती को लाभ का धंधा बनाएं। मनोज दुबे एवं गजेंद्र सिकरवार ने भी सरकार की योजना बताई। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया, किसान संदेश यात्रा के पंचम दिवस गुना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहटा घाट, कोठिया, रोरी, पगारा, टोरिया में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने किसानों एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी एवं उनकी समस्याओं को सुन हल किया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री गजेंद्र सिकरवार, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज दुबे, जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, सरपंच राकेश रघुवंशी सहित ग्रामीण कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित रहे। अकेले गुना विधानसभा आपके पड़ोस के जिला अशोकनगर है, बाबे मालूम है कि कहां आया है। नंबर का कहां है? नंबर को भी जानने के नंबर का मतलब का नंबर। समाजवादी पार्टी की गुना इकाई ने किया चक्का जाम, साथ ही ग्राम बिलोनिया एवं सुखसागर में तुरंत बिजली व्यवस्था करने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति मामाई के नाम से भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। ग्राम बिलोनिया एवं सागर टिकरा आर ओन बिजली तगड़ी समस्या है और हम पूरे ज्ञापन दे चुके कलेक्टर साहब को, आज तक हमें कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिला और इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और मध्य प्रदेश में बिजली विभाग और सरकारी अस्पताल ऐसी बहुत समस्याएँ, यानी कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ पेड़ लगावे पर तुल रही है। पेड़ लगाओ, उसी से ही किसानों को भला होगा क्या? किसानों की सरकारी अस्पताल में जाओ, किसानों की समस्याएं वो देखो। और गैंग रेप तो मध्य प्रदेश की बात करो तो उत्तर प्रदेश में तो लगातार हो रहे हैं रोज, पुलिस प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रहा। योगी जी कहते कि हमारी सरकार आएगी तो हम सख्त कानून लगेंगे, लेकिन घोषणाएँ करते हैं लेकिन अनुशासन नहीं करते। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष रामनाथ बघेल। नदी मोहल्ला निवासी युवक के साथ देर रात कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने सिटी कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। अब देखने लायक होगा कि पुलिस इस संबंध में क्या कदम उठाती है। मेरा नाम साहिदपुरेशी है और रज्जू नदी मोहल्ले में रहता हूँ। रात्रि करीबन 12:30 एक के टाइम पे मैं बस स्टैंड से लौट के आ रहा था चाय पी के। गाड़ी अचानक एक बंदा गाड़ी के आगे, गाड़ी भिड़ते भिड़ते बज गई गाड़ी। उसके बाद मैंने पूछा, भैया क्यों गाली गलौज कर रहे हो? गाली गलौज के जरिए उनने मेरे पे एकदम हमला कर दिया, जिसमें था 7-8 लोग थे। उसके बाद 20-22 और अलग से आ गए थे वो जो अज्ञात थे, जिसमें से एक तो अपना बिट्टू एक कोई लकेरा और दूसरा है अपना भयू लगेरा। ये मेन दो का चेहरे मैंने पहचाने हुए। शहर में प्याज की भारी आवक के बाद सड़कों पर फेंकी जा रही है प्याज। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले दिनों शहर में मंडी में लगभग 4,09,000 क्विंटल प्याज की आवक हुई है, जबकि 82,000 क्विंटल प्याज की ही खपत हो पाई है। लेकिन कितनी प्याज इस बीच में खराब हुई एवं भेजी गई है, इसकी जानकारी देने से अधिकारी कतराते हुए नजर आए।
प्याज के मामले में आगे क्या होने जा रहा है? अभी तक गुना जिले को 1,09,000 क्विंटल प्याज शासन स्तर से प्राप्त हुई है, जिसमें से 82,000 क्विंटल प्याज व्यापारियों और पीडीएस के दुकानों के माध्यम से वितरण की जा चुकी है। शेष प्याज अभी मंडी शेड में, किसान भवन और यश वेयरहाउस में रखी हुई है, जिसके लिए ऊपर नीलामी के माध्यम से व्यापारी से चर्चा की जा रही है और जो भी दर अच्छी मिलेगी 2 रुपये से ऊपर उसमें प्याज नीलामी की जाएगी। सर अभी तक कितनी प्याज खराब हो चुकी है? अभी खराब का की प्याज की गणना ऐसी की जा सकी है। अभी जब लास्ट में जब पूरा डिस्पोजल होगा प्याज का, जैसे व्यापारी ले जाएंगे छाँट के, उसके बाद जो लास्ट में अंतिम दिन गणना की जाएगी कितनी प्याज खराब हुई है। अभी यदि हम डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर देखें तो 560 क्विंटल प्याज ही देखी गई है। स्थानीय ज्योति टॉकीज में आज से बरसेगी धर्म की गंगा। यहां आज साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। उक्त कथा का वाचन रहेली से पधारे पंडित श्री संजय जी महाराज के श्रीमुख से होगा। वहीं आयोजक उन्हें शहर की जनता से इस कार्यक्रम में शामिल होने एवं धर्म लाभ प्राप्त करने का आह्वान भी किया है। ऋषि हमारे भागवत में ऐसे हुए, श्रीमद् भागवत कथा पंडित श्री संजय जी महाराज रैली वाले, जिनकी कथा आज दिनांक 3 जुलाई से 7 दिवसीय कथा है ये, ठीक है। पंडित जी पधारे हुए हैं रैली से, ठीक है। इनकी कथा सभी भक्तगण करा रहे हैं, सार्वजनिक कथा किस जगह पे है? किस जगह पे चल रही है? ज्योति टॉकीज में चल रही है। हमारे भगत जी हैं, हमारे पटवारी साहब हैं, इनको इनका काफ़ी सहयोग मिला है। ऑटो चालक यूनियन ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, साथ ही ऑटो चालक यूनियन एवं एटक के तत्वावधान में ऑटो चालकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं ऑटो चालकों की विभिन्न समस्याओं से प्रशासन को अवगत भी कराया गया। हमारे समाज और शहर में हर वर्ग के लोग तमाम समस्याओं के बावजूद भी जीवन जीते हुए नाम लक्ष्मी नारायण नाम है हमारी ऑटो चालक यूनियन उसका जिलाध्यक्ष हूँ। और आज ये प्रशासन के हमने यूनियन की तरफ से ऑटो के जो रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, बहुत समय से ऑटो चालकों ने ऑटो खरीद लिया। एक तो उसका समस्या है कि उनके सबके रजिस्ट्रेशन किए जाएँ, दूसरी जो यातायात व्यवस्था में हमारे ऑटो चालक भाइयों को जो परेशानियाँ आती हैं उसमें ऐसे हमारे शहर के अंदर जो स्कूलों में बच्चे ले जाते हैं उनके ऑटो की संख्या का निर्धारण किया जाए, और भी शहर के अंदर जो बाहर से जो ऑटो आते हैं उनका व्यवस्थित किया जाए, जिससे यातायात का संचालन सही ढंग से हो सके। तो प्रशासन के साथ एक सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए हम चाहते हैं कि सारी चीज़ों में हमारी समस्याएं भी सुनी जाए और प्रशासन जो भी यातायात व्यवस्था में नियम बनाकर हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। रेलवे की लापरवाही के चलते कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह विगत रात महूगढ़ा रेलवे क्रॉसिंग की हैं, जहां रेल आने पर फाटक बंद कर दिया जाता है, पर यह फाटक रेल गुजर जाने के बाद भी ज्यों का त्यों बंद पड़ा रहता है, जबकि दूसरी तरफ का फाटक खोल दिया जाता है। इसी में से लोग अपने दोपहिया वाहनों को मजबूरन फाटक के नीचे से निकालते हैं। डीजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।